लोटस आयुर्वेदा इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे बैलेंस डाइट क्या होती है। मैं आपको बता रहा हूं इसके बारे में कुछ जरूरी बातें, तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन उससे पहले बोलना चाहूंगा, चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन की घंटी बजा दें जिससे हमारे वीडियो सबसे पहले आपका पहुंचे। वीडियो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। स्वस्थ रहने के लिए अच्छी मील लेना जरूरी होता है, यह तो सभी को पता है, लेकिन हेल्दी मील लेने के साथ साथ अपने मील को बैलेंस रखना भी बेहद जरूरी होता है। यह बैलेंस्ड मील लेने से आपका स्वास्थ्य तेजी से ग्रो करता है। इस तरह से डाइट को फॉलो करने से आपकी सेहत को कई फायदे मिलते हैं और आप कई बीमारियों से भी बचे रह सकते हैं। तो आइए जानते हैं बैलेंस्ड डाइट क्या होती है और इससे जरूरी कुछ बातें। तो क्या है बैलेंस्ड डाइट? बैलेंस्ड डाइट एक प्रकार की ऐसी डाइट होती है जो आपकी सेहत के लिए पूरी तरीके से हेल्दी रहती है। बैलेंस्ड डाइट में सभी पोषक तत्वों की मात्रा रहती है जिससे शरीर में सभी पोषक तत्वों का लेवल बैलेंस रहे। बैलेंस डाइट में विटामिन सी, विटामिन ई, फॉलिक एसिड, विटामिन ए और मिनरल आदि की मात्रा होती है। इसमें अनसेचुरेटेड फैट्स के बजाय हेल्दी फैट्स की मात्रा होती। बैलेंस डाइट में शरीर की जरूरत को देखते हुए कार्ब्स का भी मात्रा रखा जाता है। खाने में वैरायटी रखें। खाने में वैरायटी होना बेहद जरूरी है। रोज रोज एक ही तरह का खाना ना सिर्फ आपको बोर करता है बल्कि ऐसे में आपके शरीर के लिए सभी जरूरी पोषक तत्वों की प्राप्ति नहीं हो पाती है। इसके लिए आपको रोजाना अपनी मील को बदल बदल कर लेना चाहिए। कोशिश करें कि खाने में सभी पोषक तत्वों को शामिल करें, सभी तरह के न्यूट्रिशंस को करें शामिल। अपने मील को बैलेंस रखने के लिए आपको अपनी डाइट में सभी तरह के न्यूट्रिशंस को शामिल करना चाहिए। इसके लिए आपको अपनी बॉडी की जरूरत के हिसाब से अपने आहार का चुनाव करना चाहिए। इसके लिए एनर्जी और कैलोरी को बैलेंस रखना चाहिए। आपको 50 से 55 % कार्बोहाइड्रेट, 10 से 15 % प्रोटीन, 20 से 30 % तक एनर्जी और आपको हेल्दी फैट्स लेना चाहिए। कॉम्बिनेशन का रखें ध्यान। आपको सभी फूड कॉम्बिनेशन का ध्यान रखना भी जरूरी होता है। जैसे दाल में एसेंशियल अमीनो एसिड पाया जाता है जो शरीर में अमीनो एसिड की मात्रा को पूरी तरह से मदद करता है। वहीं दही, नमक, नींबू आदि जैसे कुछ कॉम्बिनेशन सेहत को नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको कैसा लगा हमें अवश्य बताएं। धन्यवाद।